वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। तो आज हम एक ऐसे रहस्य के बारे में जानेंगे, जी हाँ दोस्तों, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, सीधा लेके चलूंगा और वहाँ पे ही आपको उन्हीं के जवान में आपको सुनाऊंगा। सो वीडियो को अंत तक देखना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, लाइक करना, कमेंट कर देना, और जो भी हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। सो अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं आपको उस पीर के स्थान पे। चलो चलते हैं। सो दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं उस पीर के स्थान के पास और ये रहा उसका एंट्री गेट। सो अभी दुकानें भी लग रही हैं, तो आपको मैं दुकानें बाद में घुमाऊंगा क्योंकि आज वीरवार है तो थोड़ा सा रस है। तो हम चलते हैं अंदर और आपको फाइनल दिखाते हैं, उस पीर का दर्शन कराते हैं आपको। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कर देना, सपोर्ट करना हमारी वीडियोस को, जितना हो सके उतना सपोर्ट करना। तो चलो करते हैं हम एंट्री, गेट के अंदर चलते हैं और आपको घुमाते हैं पूरा ये पीर का स्थान। सो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर जितना हो सके उतना करो। फिलहाल तो पूरे इंडिया में लोग यहाँ तक, लोग जहाँ पर भी हो यहाँ ज़रूर आए क्योंकि यहाँ पर बहुत ही भारी मेला लगता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पहुँचे और अपनी मनोकामना पूरी करें। सो आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताओ। तो अभी आपको दिखाते हैं अंदर चल के और अच्छे से दर्शन कराते हैं और घूमते हैं यहाँ पूरा जगह। सो ये आ चुका है पीर बाबा का मेन गेट, तो हम चलते हैं अंदर और आपको कराते हैं अच्छे से दर्शन। तो करिए बाबा जी का दर्शन, जय बाबा की, ज़रूर लिखे कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा। देखो जोत जलती है और ये इसी तरह जलती रहती हैं दोस्तों, तो आप आके यहाँ पे किसी टाइम आके देखोगे तो ये आपको जलती हुई ही दिखेगी। तो अभी मैं आपको पूरा मंदिर घुमाता हूँ, अच्छे से दर्शन करें आप। जो यार यहाँ का इतिहास है ना वो बहुत ही बड़ा है, तो सुनकर आपको हैरानी होगी यार। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि हमारे साथ जो यहाँ की मेन मुखिया माता जी हैं वो हैं, तो आज का सारा रहस्य वही बताने वाली है माता जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अंत तक देखना और इसका रहस्य जानकर आप चौंकने वाले हो। सो आप बैठ जाएं किसी जगह पे और आराम से इस वीडियो को सुनें और देखें और यहाँ पर आके बाबा जी का दर्शन करें, पीर जी के दर्शन करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो और ये सब तक वीडियो पहुँचनी चाहिए मेरे दोस्तों। फैला दो इस वीडियो को जितना हो सके और देख लो आपके सामने है कि कितना बड़ा ये पीर का स्थान है। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आएँ और देखो डेकोरेशन देखो कितनी ही ज़बरदस्त की हुई है, कितना ही बेस्ट लग रहा है। सो आप आओ यहाँ पे दर्शन करो, अपनी मनोकामना पूरी करो। सबसे मेन बात यहाँ ना सभी की मनोकामना पूरी होती है और कुछ रहस्य जो हम माता जी से पूछेंगे वो रियलिटी है मेरे दोस्त, वो रियलिटी है, सच्ची बातें होने वाली हैं, जो भी वो बोलेंगी बिल्कुल सच होगा। सो इस पीर के स्थान पे ना आपको देवी देवता के भी मूर्ति फोटोज़ देखने को मिलेंगे और अभी यहाँ पे बालाजी महाराज भी विराजमान है। तो जय बजरंगबली कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लिख देना, सपोर्ट करना। और भी काफ़ी सारे यहाँ पे हैं मूर्ति, वो भी आपको दिखाते हैं। तो आप एक बारी पूरा वीडियो देखो और इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। सो ज़्यादा से ज़्यादा अंत तक वीडियो को देखें आप। वीडियो कैसा लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में ज़रूर बताओ। जय माँ सरस्वती। और इन सब के बारे में हम भी माता जी बैठे हैं तो उनसे जाके पूछेंगे क्या इतिहास है।
अच्छा तो अभी हम इतिहास के बारे में जानेंगे। ये देखो बाबा नौगजा पीर सालाना मेला व भंडारा, अब की बार का 12 जुलाई 2022 मंगलवार को कार्यक्रम हुआ था। और अभी हम इतिहास के बारे में जानेंगे बीबी मनप्रीत कौर जी से। चलो चलते हैं। यहाँ पे धूना स्थल गुरु गोरखनाथ जी का। तो अभी हमारे साथ माता जी जुड़ चुके हैं, तो अभी ये बताएंगे थोड़ा सा हमें इतिहास। जगह है बहुत लंबी है, बहुत बाबा छाती वाला बड़ी छाती है, दो तारा दो तो मिलता, दो तारा दो तो मिलता, जो भी मनोकामना पूरी होती है। इसको बहुत साल पहले बाबा जी ज्ञाननाथ आए थे, उसने इसको देखा, उसने दोस्ती हुई है ना, गलबात करी बाबे ना, छाती वाला बाबा से बहुत ज्यादा तेरे ने इन बाबा जी ने गलबात करी, आता मैं पीर हाँ पीर नौ गजा, ते मैं बहुत दुद्ध वाले पुत्र ना, पर मैनू जड़ा मेरे शराब पी के चढ़ूगा दरबार से कि मैं नीम उस बख्शदा, ते जड़ा मेरा सिद्धनाथ जो कुछ मंगो ही दूंगा। हूँ इतने भाई दुद्ध वाले दुद्ध मिलता, पुत्र वाले पुत्र मिलते हैं, बहुत अच्छी छाती है, बहुत महान छाती है। एक सरोवर बने अपने इधले पासे उत्थे जो फोड़े फुंसी तला दे विच, किसे फोड़े होन किसे कोई बीमारी होए सब ठीक होंगे। पंज फेरियां ला दियां मैनू करते करते जी 30 साल हो गए। पहला मेरा इतने सस सहुरा सी, फिर मेरा जेठा, फिर मेरे ते मेरे भी बाबा जी दी बहुत याद आ। मेरे नौ गजे पीर दी इन्हें बेचारे उड़ती रही मैं 4 दिन, फिर मैं हौली 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 अपने बाबा जी कहिंदा दसो ना, मैं जी दस्या बाबा जी, फिर मैंने दसा, तो फिर मेरे पैर लग लग जमीन पर, मैनू कहता कोई मेरा हुक्म करे मैनू कह उठ के चलना। मैं जी बहुत मैनू डर लगता सी, पर बाबा मेरे वाले सी बाबे जी ने, मैं ठीक फिर वो उठती रही, उस बाद मैनू उठन लग। इतने कैंसर तो आता जो मैं टप लिया, कैंसर की बीमारी इतने किसी ने भी हो, मैं कल मेरी हवा नहीं खत्म हो जाती है, मेरी हवा ही सुनते हवा ही मेरी लगना खत्म हो जाए, कैंसर कैंसर का पक्का इलाज है इतने जी। और किसी गंभीर हो, किसी दे खर्च हो, किसी दे रसोली हो, किसी दे चंबला दद्दा कोई बीमारी हो शरीर से सब ठीक है। शरदा नहाओ, पंज फेरियां पाओ, लून बोकर पतासे और चौलों की देर, बस वो बाबे चढ़ती और नहीं, और कुछ नहीं चलता, चादर वगैरह बस चादर में। तो ये था दोस्तों यहाँ का इतिहास, और जो बाबा ज्ञाननाथ जी थे कुछ टाइम पहले यहाँ पे आए थे, और तब से ये बना हुआ है पीर का जगह। और ये हमारी बीबी जी अभी जिनके पास यहाँ का सब कारोबार है जी। बाबा जी ज्ञाननाथ आए जी, बड़ा पूर्ण संत सी, हो मरे को जिंदा करता सी, उसको बड़ा उन्हें आख्या भी बहुत छाती वाली चीज है भाई, तुसी इस हिसाब ना मनो, असी उस हिसाब ना मन लगे बाबे ने। फिर आ वेख लो इतने द्रोही भी है वारसी, एक उसका मटर सेवादार आया, उसने बहुत कुछ बनाया सारा, हूँ बेचारा चल गया, पर वो बेचारी उम्र थोड़ी सी, वो चल गया, उन्हें बहुत कुछ बनाया इतने, सारे लंगर हाल बनाया और छट बनाए और सब कुछ सरोवर बनाया, सब कुछ उन्हें बनाया बाबे जी करना, हम बहुत सोना करे बहुत वधिया काम करे जी, हम जी चे जिन्ना चेर जिंदगी है मैं वधिया काम करूँ इसका बाबे का, मैं वधिया करूँगी सही करूँगी। डांगरा जिन्हें सेवा करनी हो सेवा कर सकते हैं, ट्रस्ट बना साडा ये सेवा में खाते में कोई सेवा पा सकते जिसने पानी है,
ਇਹਦਾ ਖਾਤਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਸਭ 'ਤੇ ਫਲੀਆਂ ਕਰੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲੋ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਆ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਕੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਸਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਥੋਂ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਬਸ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਾਬਾ ਦਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਪੁੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕੜ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੜਾ ਛਾਤੀ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਛਾਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਦਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚਲਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਠੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਠੰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਇਸ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕੋ ਆ ਕੋਈ ਬਸ ਸਹੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਚਰਿੱਤਰ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਹੁਤ ਛਾਤੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਬੇ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿਖਾਇਆ ਬਾਬਾ ਗੈਰਨਾਥ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਗੈਰਨਾਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਬਾਬਾ ਗੈਰਨਾਥ 'ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਗੈਰਨਾਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਪੀਰ ਦਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਛਾਤੀ ਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਿਆ वो दिखाता हूँ जहाँ पे सभी दुख दर्द दूर होते हैं तो चलते हैं सरोवर के अंदर और आपको दिखाता हूँ मैं सरोवर यहाँ पे सभी दुख दर्द दूर होते हैं मेरे दोस्त आप आओ यहाँ पे दर्शन करो ज़्यादा से ज़्यादा और इस जगह को और बड़ा बनाओ जितना हो सके उतना है जैसे कि यहाँ पे जो ज़मीन कच्चे हैं वहाँ पे फर्श फुर्श हो जाए टाइल लग जाए बहुत अच्छा बन जाएगा ये भी तो यह है दोस्तों सरोवर इसमें फिश भी होते हैं लेकिन अभी पता नहीं कहाँ है तो मैं तो डूब जाऊंगा इसमें क्या तो नहीं जाते नीचे सो आपको कैसा लगा यह पीर का दरगाह नौ गजा बाबा पीर जी सो वीडियो में सो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना ज़्यादा से ज़्यादा और हम लेते हैं यहाँ से इजाज़त और मैं मिलता हूँ आपको घर पे सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना जितना हो सके तो दोस्तों ये था नौ गजा पीर का दरगाह तो ये सारी ज़मीन जो है ये नौ गजे पीर की है जितनी भी है यहाँ पे सो दोस्तों आपको इतिहास जानकर कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना कमेंट करना शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आओ अपने दर्शन अपने मन्नत पूरे करो यहाँ पे काफ़ी कुछ आप जो आपने वीडियो में सुना है जो उन्होंने बोला है वो रियलिटी है वो सच्ची है जो भी आपको तकलीफ है शरीर में वो आप यहाँ पे आओ सरोवर में स्नान करो और अपनी तकलीफों को और अपनी तकलीफों से निजात पाओ सो अब हम चलते हैं घर पे और आपको कुछ दिखाते हैं बाहर दुकानें लगी हैं क्योंकि आज वीरवार है सो देखो आप दुकान तो ये है कुछ दुकान और ये एक दोस्त बोल दो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ग्रुप ब्लॉग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें सो यहाँ पे हर वीरवार को इतना ही भीड़ होता है इससे भी ज़्यादा होता है और तो थोड़ा बहुत तो चलो वो गए हुए हैं दशहरा का जो कल दशहरा था इसके कारण से कम है तो भाई हर एक वीरवार में यहाँ पे पूरा भीड़ होता है और हर वीरवार में बड़ा मेला होता है सालाना मेला उस टाइम आप आना बहुत ज़्यादा रश होता है झूले वगैरह कम से कम 100 से ज़्यादा दुकान अंदर मार्केट में लगती है पूरी ठीक है और बहुत लोगों की श्रद्धा बहुत मनोकामना पूरी होती है बाबा के दरबार में किस टाइम मेला लगता है फरवरी में लगेगा फरवरी में 5 फागुन का तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पहुँच कर और इस मेले का आनंद उठाना यहाँ पे कलाकार भी आते हैं मैंने सुना है और
जो भी मन्नत है ऐसे मांग लो कि बाबा नौके से फिर के नाम से आपके घर बैठे पूरी होगी मनोकामना। क्या बात है। सो ये था दोस्तों यहाँ का इतिहास, और आज कुछ कम है दुकानें वैसे, तो चलो चलते हैं अब घर और मैं मिलता हूँ आपको घर पे। सो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन का बटन जरूर दबाना। सो थैंक यू भाई, मिल के अच्छा लगा आप लोगों से। तो दोस्तों ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करें, और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन का बटन जरूर दबा दो। तो और इस वीडियो से मैं लेता हूँ इजाज़त, मिलते हैं हम अगले मस्त ब्लॉग में। सो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खाते पीते रहो। जय माता दी, जरूर लिख दो कमेंट में।